एक निर्माता को 8,000 इकाइयां प्रति वर्ष सामग्री की आवश्यकता है। प्रति वर्ष सामग्री 8,000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 8,000 है, जिसको बोलते हैं आर। आदेश लागत दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 पर ऑर्डर। वहन लागत 10% प्रति वर्ष प्रति इकाई औसत सामग्री है। कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर ईयर पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का 10%। आगे देखो, फॉर ऑर्डर, देखो एवरेज इन्वेंट्री प्राइस अभी तक आई नहीं है। फॉर ऑर्डर फॉर लेस देन 4,000 यूनिट्स देयर इज नो डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ ₹1 पर यूनिट। 4,000 इकाइयों से कम के आदेश के लिए क्रय मूल्य कितना है? ₹1 प्रति इकाई, और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर हम 4,000 का ऑर्डर देते हैं, यहाँ पे कंपेयर करना है क्वेश्चन को, अगर 8,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष है और अगर हम एक बार में 4,000 इकाइयाँ मंगवा रहे हैं, इट मीन्स हम कितना मंगवा रहे हैं? 50%, यानी साल में कितने बार ऑर्डर जाएगा? 2 बार। तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखो 4,000 से कम, सॉरी, अगर कम का मंगवाएंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 4,000 इकाई आदेश पर 5% छूट प्राप्त है, और जैसे ही वो 4,000 पे हो जाएगा तो डिस्काउंट हो जाएगा 5%। और यदि 8,000 इकाई आदेश दिया जाए तो, अगर पूरा एक साथ देंगे एक साल का, तो 10% छूट उपलब्ध है। निर्माता द्वारा कौन से विकल्प को स्वीकार करना चाहिए? विच ऑफ द थ्री वेज ऑफ परचेज शुड द मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट? 3 कंडीशन है, जिसमें एक 4,000 से कम है, एक 4,000 है और एक पूरा 8,000 है। तो सबसे पहले ईओक्यू निकालना है अपने को। निकालो सब ईओक्यू, स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट दो, यहाँ पे लिखो ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला लिखो। मैम आंसर 1,264.9 आ रहा है। हाँ, उसको राउंड फिगर कर दो तो वो हो जाएगा 1,265 यूनिट। देखो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैंने, 2 × R × CO अपॉन CH। तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला है, इसमें लिखो 2 × R, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 8,000। इसमें इंटू करो CO, कितना दिया है? 10 रुपीज टेन अपॉन CH। देखो ये कितना दिए? 10% किस पे? प्रति इकाई, और प्रति इकाई कितना दिए? 1 रुपए। तो 1 रुपए का 10% होता है 0.10। कैलकुलेट करो और रूट में डाल दो वैल्यू को। आया सबका 1,265 यूनिट्स? यस मैम। हाँ, कहीं पे किसी को डाउट है तो वो पूछ लो जल्दी से। ये हो गया 1,265 यूनिट्स। तो जो पहली कंडीशन थी, जिसमें बोल रहा था कि अगर 4,000 से कम का ऑर्डर आएगा, तो ये वही कंडीशन है। ईओक्यू में 4,000 से कम का ऑर्डर आएगा अपने पास,
अब देखो तीनों बार टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले अपन ईओक्यू को लेके चलेंगे। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू, कुल लागत, कुल लागत की करना ईओक्यू पर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट है इसमें यहाँ पे ऊपर देखो फॉर्मूला लिखा है परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट आएगा अपना आर इंटू पी। तो आर कितना है, 8,000, और परचेज प्राइस इंटू वन, तो 8,000 इंटू वन हो गया 8,000 रुपीज। फिर सेकेंड देखो इसमें क्या लिखना है अपने को, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कुल आदेश लागत, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला लिखवाई थी मैं क्या, आर अपॉन क्यूओ। आर, किसी का माइक म्यूट नहीं है, माइक म्यूट करो। आर अपॉन क्यूओ इंटू सी ओ। तो आर अपॉन क्यू ओ, आर कितना है अपना 8,000 अपॉन क्यू ओ। यहाँ पे क्यू ओ का मतलब है ऑर्डर क्वांटिटी से, और ऑर्डर क्वांटिटी अपना क्या है, 1,265, ये ईओ क्यू। तो 8,000 को डिवाइड करो 1,265 से, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सी ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 10। तो 8,000 डिवाइड बाय 1,265 इंटू 10 करोगे तो 63.24 आएगा। फिर थर्ड लिखो, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है क्यू ओ अपॉन क्यू ओ अपॉन टू इंटू सी एच। तो क्यू ओ अपना कितना था देखो, 1,265 है, उसको डिवाइड करेंगे अपन टू से, जो भी वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सी एच कितना था, 0.10। तो आंसर आएगा 63.25। तो तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी अपनी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है अपना 8,126.49। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। क्लियर है? अब देखो इसमें एक चीज, यहां पे क्वेश्चन में दिया था अगर 4,000 से कम का ऑर्डर करते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, किस पे, परचेज प्राइस पे। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर हमने 4,000 से कम किया था, ईओक्यू कितना था अपना यहाँ पे 1,265, तो कोई डिस्काउंट नहीं लिया था। अब जो सेकेंड कंडीशन है उसमें मैं क्या ले रही हूँ, 4,000, ये वाला, इफ एन ऑर्डर फॉर 4,000 यूनिट्स इज प्लेस्ड, ले अगर 4,000 इकाई आदेश पर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट। तो सेकेंड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 4,000 यूनिट्स, कुल आदेश मात्रा 4,000 इकाई होने पर। सेकेंड करके बनाना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 4,000 यूनिट्स, कुल कुल लागत 4,000 इकाइयों के आदेश पर। सिर्फ सेम फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना है अपना आर इंटू पी, सेम 8,000 इंटू वन,
कितना हो जाएगा ये 8000। फिर सेकेंड पॉइंट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, आर अपॉन क्यूओ इनटू सीओ, फॉर्मूला लगाओ आर अपॉन क्यूओ इनटू, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, तो आर अपॉन क्यूओ, तो यहाँ पे आर कितना है अपना 8000 अपॉन क्यू ओ, क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 4000, क्योंकि इस बार हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं 4000 यूनिट्स। ये क्यू ओ याद रखना, ये क्यू ओ हर बार वही होगा जितना हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो 8000 डिवाइड बाय 4000 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और इनटू कर देंगे इसको, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है अपने पास 10, तो आंसर आएगा यहाँ पे 20 रुपीज। थर्ड पॉइंट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला है टोटल कैरिंग कॉस्ट का क्यूओ अपॉन 2 इनटू CH। अब देखो यहाँ पे CH और ये परचेज प्राइस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पे बोला था अगर 4000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा 5% का, तो यहाँ पे नीचे देखो अगर डिस्काउंट है कितने का 5% का, तो जो परचेज प्राइस था 1 रुपए, तो 1 रुपए का 5% कितना होगा बताओ, 1 रुपए का 5% 0.05, 5% होगा 0.05, तो परचेज प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा, तो 1 माइनस 0.05 करेंगे तो वैल्यू आएगी अपनी 0.95। फिर जस्ट इसके नीचे देखो अगर परचेज प्राइस ये है तो कैरिंग कॉस्ट उसमें भी चेंजेस आएगा, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी थी अपनी 10% लेना है हमको, तो 0.95 ये जो वैल्यू आ रही है 1 में से 0.05 में माइनस कर रही हूँ, तो आंसर आया था मेरा 0.95, तो 0.95 का मेरे को लेना है 10%, तो 0.95 का 10% हो जाएगा मेरे पास 0.095 ये। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये हो जाएगी 0.095 और ये जो परचेज प्राइस थी ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.95, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे तो ये हो जाएगा 0.95, तो 8000 इंटू 0.95 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7600, और यहाँ पे देखो क्यू ओ कितना है अपना 4000, इसको डिवाइड किया 2 से, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.095 से, क्योंकि ये कैरिंग कॉस्ट देखो परचेज प्राइस का 10%, तो ये आ जाएगा 190, तो अपना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगा 7810। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कोई डाउट है यहां तक, किसी भी अमाउंट में कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है? यस मैम क्लियर। ये देखो ये हो गया ईओक्यू के बेस पे, ये हो गया 4000 यूनिट्स के बेस पे, अब एक बनाएंगे किसके बेस पे, सिंगल ऑर्डर ऑफ 8000 यूनिट्स के बेस पे, और उस समय डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% का। चलो स्टार्ट करो सब, तीसरा कैलकुलेशन दो।
कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 8000 यूनिट्स पे चलेगा। देखो अब 8000 यूनिट्स पे अगर अपन कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, मटेरियल कॉस्ट है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। मटेरियल कॉस्ट लो, मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला है अपने पास अभी यहां पे आर इंटू पी। तो देखो R इंटू पी, तो R कितना था अपना, देखो 8000, क्योंकि अपन ऑर्डर भी देखो 8000 यूनिट्स का लेंगे, तो R इंटू पी अगर हम करते हैं तो 8000 इंटू परचेज प्राइस में, देखो जब हम 8000 यूनिट्स का ऑर्डर ले रहे हैं तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है अपने को उसमें, 10% का। ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा है, क्लियर कर, 10% फॉर वन सिंगल ऑर्डर ऑफ 8000 यूनिट्स, तो कितना परसेंट है, 10%। तो परचेज प्राइस 1 रुपए थी, तो 10% कितना होगा, 10% होगा 1, तो परचेज प्राइस अब हो जाएगी 0.90 पे आएगा उसका। कैलकुलेट करो 8000 को मल्टीप्लाई करो 0.90 से, कितना है आंसर बताओ, 7200। सेम पुट करेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, सेम फॉर्मूला लगाना है सब में, देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो पुट किया है आर अपॉन क्यू ओ इन टू सी ओ, करो एज इट इज आर अपॉन क्यू ओ करो। देखो क्यू ओ क्या होता है हमेशा याद रखना, जितना अपन ऑर्डर कर रहे हैं, तो इस बार ऑर्डर कितना कर रहे हैं 8000, यहाँ पे ईओक्यू के बेस पे किया था तो ईओक्यू वाला लिखा था, 4000 किया था यहाँ पे तो 4000 लिया था, अब कितना है अपना 8000, तो क्यूओ अपना ऑर्डर क्वांटिटी है 8000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट से। तो देखो आर कितना है अपना 8000 डिवाइड, ऑर्डर क्वांटिटी भी कितना है 8000, कितना आएगा 8000 डिवाइड बाय 8000 1 हो गया, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी अपने पास, इनटू 10, तो आंसर भी क्या आएगा 10। फिर सेम टोटल कैरिंग कॉस्ट, लगाओ फॉर्मूला, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताई हूं ना मैं, क्यू ओ अपॉन 2 करो, क्यू ओ करो अपॉन 2 इनटू करो, इनटू क्या होगा सी एच। तो जब परचेज प्राइस यहां पे कम हुई थी तो सेम वही पैटर्न लगेगा, देखो यहां पे ये कितना है 0.95 लिया था यहां पे, तो एक का 10% कितना आया था पॉइंट बताओ, एक का 10% कितना आया था 0.10 लिया था, तो सेम देखो 10% डिस्काउंट अगर हम लेंगे तो 0.90 का हम कितना लेंगे 10%, कितना आता है 0.90 का 10% बताओ, 0.09 लेंगे इस बार वैल्यू अपन। तो क्यू ओ अपॉन 2, क्यू ओ कितना है अपना, ऑर्डर क्वांटिटी है 8000, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं किससे 2 से, कितना आ गया 4000, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 0.09 से, तो कितना आएगा 8000 को डिवाइड किया 0.09 से 360। ठीक है अब टोटल करो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट टोटल क्या तीनों का आ गया 7570।
चलो स्क्रीन पे तीनों दिख रहे हैं ना आंसर, एक 8126 है, एक 7810 है और एक 7570। अब बताओ कौन सा उसको लेना चाहिए। 7570 7570 मैम, थर्ड वाले को। हार्ड वाले को। और किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को भी? बताओ कहीं कोई डाउट? नो मैम, क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिलेक्ट करके रखना।